ले जानना जरूरी है। शाओमी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर डिक्सन टेक्नोलॉजीज के सीएफओ सौरभ गुप्ता ने हमसे खास बातचीत में कहा कि ईडी की छापेमारी से डिक्सन टेक के बिजनेस पर असर नहीं पड़ेगा। Based on our discussions with them, these are some royalty related payment issues linked to the mobile business. However, if you look at our relationship, we are the largest suppliers of LED TVs to Xiaomi in India. Whatever we have spoken to them, our business will continue as usual on the TV side and in fact grow with them. And we see absolutely no impact of this ED searches or this bank account freezes on our business or any kind of payments coming from Xiaomi India to us. So our business is as usual, and in fact it will grow with Xiaomi in India. Yeah, so basically, as I mentioned, we are only, as of now, relationship is only in LED TV business, and we are the largest supplier to them, doing a significant portion of the requirements in India. And this current fiscal year, Xiaomi on the LED TV side should contribute around 11 to 12% of our revenues. ऑलराइट, तो ये डिक्सन टेक पे हमसे बात कर रहे थे सौरभ, बता रहे थे सौरभ गुप्ता अपनी के मैनेजमेंट की शाओमी के साथ वो अपने कारोबार के विस्तार की योजनाओं पर अभी भी प्रतिबद्ध हैं। और जिस तरह की भी यहाँ पर एक कंसर्न निकल कर आ रहा है, आउटवर्ड रेमिटेंस की बात हो रही है शाओमी इंडिया के कुछ कंसर्न से गलकर आ रहे हैं, लेकिन डिक्सन के अपने रिलेशन शाओमी के साथ इंटैक्ट है। चलिए, लेकिन काउंटर पर एक बड़ा सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर देख रहे हैं, 10% अब नीचे है। शुरुआती कारोबार में ये 6% तक नीचे था और अब बढ़कर ये गिरावट 10% तक हो गई है। हमारे साथ खुश बोरा भी अब बने हुए हैं। खुश, गुड आफ्टरनून। मार्केट्स पर भी आपका व्यू लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार आप डिक्सन टेक पर भी अपना व्यू शेयर करें। 10% तक की, 9% तक की यहाँ गिरावट है। हालांकि क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने जरूर दी है और शाओमी उनका एक बड़ा क्लाइंट भी है, प्रेस्टिजियस क्लाइंट भी है, लेकिन आपको कितना बड़ा चार्ट्स पे इंपैक्ट दिख रहा है इसका? आगे भी क्या शॉट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल योर व्यूअर्स और सारे पैनलिस्ट को भी। देखिए, अगर हम इस डेटा पॉइंट को, जो आज का मूवमेंट, इसे भी हटा दें, तो कहीं ना कहीं साइडवेज मूवमेंट था विद अ नेगेटिव बायस, और इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है, स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट उसका जो शॉर्ट टर्म एवरेज है, उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा था। वो जस्ट अबाउट ट्रेडिंग अराउंड दैट 20 डे मूविंग एवरेज, ब्रेक करने की फेल्ड अटेम्प्ट्स की थी इसने, बट नहीं ब्रेक कर पाया था। तो अगर मैं आज का डेटा हटा भी दूं, तो भी स्टॉक जरा सा एक सेल साइड पे था, वीक स्ट्रक्चर में था, लेकिन आज का जो मूव है, उसने इसे जो इसके सपोर्ट लेवल्स थे, विच वर अराउंड 4000-4050, उसके नीचे लाके रख दिया है। अगर आज स्टॉक इसके नीचे क्लोज होता है, देयर विल बी फर्दर वीकनेस। लेकिन यहां पे देखिए, फर्दर शॉर्ट्स करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट आ गई है और जो इसके इंडिकेटर्स हैं, वो जरा सा नेगेटिव ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहे हैं। मैं ट्रेडर्स को एडवाइस करूंगा कि जरा सा वेट करें, एक और दिन देखें कि क्या मूवमेंट इसमें हो रहा है। इनफैक्ट देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एज वेल, बिकॉज यही 4000 के आसपास स्टॉक ने पहले भी सपोर्ट लेके बाउंस किया है। अगर फिर से वही पैटर्न रिपीट होता है, देन इसमें एक अप मूव भी आ सकता है। इतनी वोलेटिलिटी और इतनी न्यूज के चलते, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक या दो दिन के लिए स्टॉक को अवॉइड किया जाए। लेट द डस्ट सेटल एंड देन वी कैन टेक अ फ्रेश व्यू ऑन द स्टॉक वंस वी हैव मोर क्लैरिटी। ऑलराइट, लेट देयर बी मोर क्लैरिटी ऑन दिस। हालांकि सिर्फ एलईडी टीवी तक ही कारोबार सीमित है शाओमी का डिक्सन के साथ, और देखना होगा कि आगे यहाँ पर किस तरह का व्यू निकल कर आता है। हालांकि दोनों साइड के ट्रेड्स पॉसिबल हैं, जैसे कुछ यहाँ बता रहे हैं। कुछ, मार्केट पर क्या व्यू रहेगा? बहुत ही टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है आज, काइंड ऑफ अ लैकलस्टर मार्केट्स ऑल्सो। सिर्फ एक्शन आपको दिख रहा है तो उन्हीं पॉकेट्स में दिख रहा है जहाँ पर रिजल्ट का ट्रिगर है या फिर कोई और ट्रिगर?